हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब गेम्स एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, वो है पबजी मोबाइल की सारी ग्राफिक्स सेटिंग्स। अब इस वीडियो में हम आपको एक एक ग्राफिक्स सेटिंग के बारे में बताएंगे, उससे क्या इफेक्ट होता है गेम में, चेंजेस दिखाएंगे आपको और बात करेंगे कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं गेम को अपने फ़ोन के लिए। एक अलग से वीडियो भी लाएंगे कि हाउ टू फिक्स लैग इन पबजी मोबाइल लो एंड डिवाइसेज में, पर इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सारी ग्राफिक सेटिंग्स की और क्या क्या ऑप्शन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है आपको गेम में। अगर आप नए जने हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना। अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं या थोड़े टाइम से खेल रहे, तब भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सारे ऑप्शन को पता लगाने में कि किस सेटिंग्स पे कितने फ्रेम्स में गेम चलता है, किस सेटिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है सीपीयू या जीपीयू यूटिलाइजेशन पे, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स के लिए पेड़ ले लिया है, ग्रास ले ली है, कार ले ली है, माउंटेन ले लिया है और ये ब्रिज ले लिया है, ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया चीज़ों का लग सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम सारी सेटिंग्स की बात करेंगे इन डिटेल। तो टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ग्राफिक्स और फ्रेम रेट के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बेसिक जो ऑप्शन है वो स्मूथ बैलेंस HD और HDR है। तो मैं आपको ग्राफिक क्वालिटी दिखाता हूँ पहले स्मूथ में कैसी है। तो कुछ ऐसा आपको स्मूथ में देखने को मिलता है, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, तब टेक्सचर और सब देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को ग्राफिक्स को बैलेंस्ड में शिफ्ट कर दूँ तो आप देख पाएंगे ग्राफिक्स थोड़े से बेटर हो जाते हैं। यहाँ पे शेडोज़ आ जाती हैं, पहले आपको इतनी शेडोज़ नहीं दिख रही थी, थोड़े से डायनेमिक रेंज बेटर हो जाती है। इन शॉर्ट यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बेटर कलर्स, शेडोज़, टेक्सचर्स और वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। वही चीज़ मैं अगर फर्दर जाऊँ HD में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि HD में वो और बेटर हो जाती हैं, सैचुरेशन लेवल्स थोड़े से और बढ़ जाते हैं, कार का आप लुक एंड फील देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ को अगर मैं वापस एक बार शिफ्ट करूँ स्मूथ में, तो आप देखेंगे कार थोड़ी सी कम टेक्सचर्ड वाली हो जाती है, ग्रास का कलर थोड़ा सा फेड आउट सा लगने लग जाता है, और वहीं पे माउंटेन्स और सब में डिटेल्स थोड़ी गायब हो जाती है और बिल्कुल यहाँ पे शेडोज गायब हो जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं HDR में। यहाँ पे तो भैया ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसकी वजह से ये ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, ज़्यादा रिसोर्सेज भी यहाँ पे लेता है, पर जो आपको ग्राफिक क्वालिटी मिलेगी वो आपको PC गेम्स जैसा देखने को मिलेगा जो आप HD गेम्स कंप्यूटर में खेलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्सचर्स कितने चेंज होते हैं, शेडोज आ जाती हैं, यहाँ पे कलर्स माउंटेन पे देखेंगे मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, जैसे वहाँ पे ग्राउंड का कलर ब्राउन ज़्यादा दिख रहा है, ब्रिज में देख सकते हैं वाटर में हल्का सा टेक्सचर आ जाता है, ग्रास में थोड़े टेक्सचर्स और शेडोज मिक्स होने लग जाती हैं, गाड़ी थोड़ी सी बेटर हो जाती है यहाँ पे। अब मैं आपको कहूँगा आप सिर्फ एक टायर के डिटेल्स को और कार्स को देखिए यहाँ पे सामने। अब मैं वापस ग्राफिक्स में स्मूथ में शिफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं डिटेल्स चेंज हो जाते हैं, कलर यहाँ पे थोड़ा सिमिलर लगेगा पर डिटेल्स कितनी बदल जाती हैं आप साइड बाय साइड यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो रही स्मूथ से HDR में। पर्सनली आपको स्मूथ रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसमें एनिमी डिटेक्शन आसान रहेगी और आपके रिसोर्सेज कम यूटिलाइज होंगे। इसके साथ एक कॉम्बिनेशन होता है फ्रेम रेट का। तो यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। आपके चाइनीज वर्जन में 90 और 120 FPS भी होता है, ग्लोबल वर्जन में वो ऑप्शंस नहीं है। तो लो क्या करता है, आपका 20 FPS पे फ्रेम्स को लिमिट कर देता है। तो अगर मैं लो रखूंगा तो आप ये देखेंगे कैसे अटक अटक के गेम चल रहा है, ये अटक नहीं रहा एक्चुअली में, यहाँ पे फ्रेम्स 20 ही हैं। तो एनीथिंग लेस देन 25 या 30 आपको विजुअली ऐसा लगता है कि वो गेम अटक रहा है, क्योंकि फ्रेम्स इतने हैं नहीं कि आपकी ह्यूमन आई में वो प्रॉपरली आपको दिख सके। वहीं पे अगर मैं सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करके वापस मीडियम करता हूँ तो 25 फ्रेम्स हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा बेटर आपको लगेगा, पहले से आप देख सकते हैं थोड़ा सा लगेगा, लैग कम हो गया है पर अभी भी हल्का सा जिटरी फील आएगा आपको। इस चीज़ को अगर मैं हाई कर दूँ तो ये 30 फ्रेम्स हो जाता है, और ये अब आपको लैगी तो नहीं लगेगा, अब आपको लगेगा कि एटलीस्ट मोशन आपका कंटिन्यूस है। हाँ, और स्मूथ हो सकता है पर अभी लैग वाली फील नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं फ्रेम्स को 40 पे ले जाऊँ तो यहाँ पे अब आपको एकदम अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसमें सारे मिड-रेंज डिवाइसेस रन करते हैं, आपको यहाँ पे स्मूथ जैसा फील भी आने लग जाता है और यहाँ पे आप गेम को एंजॉय भी कर पाते हैं। 40 FPS काफ़ी डिवाइसेस ऑफर करते हैं, पर अल्टीमेट एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है वो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम में मिलता है, और यहाँ पे आप मोशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो ये चीज़ प्रोफेशनल प्लेयर्स हमेशा स्मूथ एक्सट्रीम पे ही रखते हैं, क्योंकि बैटरी कंजम्पशन, रिसोर्सेज सब कम यूज़ होते हैं, फ्रेम ड्रॉप्स अगर कभी आए भी तो बहुत कम आते हैं यहाँ पे। आईफोन में यूजली फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे,
और इस सेटिंग के लिए ये आपके फ़ोन के लिए जो बेस्ट सेटिंग रहेगी वो हमेशा रहेगी स्मूथ में, जो भी मैक्सिमम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आ जाते हैं स्टाइल पे। अब इन स्टाइल्स की वजह से आपके रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम पे। ये बेसिकली आपका प्रेफरेंस है कि आप कैसा स्टाइल रखना चाहते हैं। अभी हम कलरफुल पे हैं तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ये दिखता है। इसी चीज़ को अगर मैं जाके रियलिस्टिक कर दूं तो आपको लगेगा वॉश्ड आउट हो गए हैं सारे कलर्स, जो कि ये है। तो ये टाइप से फिल्टर है जो आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ नहीं आएगा। और ये मूवी का है जो थोड़ा सा अजीब लगता है, मेरे को पर्सनली कलरफुल बेस्ट लगता है। आप अपनी चॉइस अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स पर, जो कि है एंटी एलियासिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एलियसिंग होता क्या है। तो यहाँ पे एंटी एलियसिंग क्या करता है, आपके टेक्सचर्स को स्मूथ करता है। पर वो स्मूथ हो क्यों नहीं रहे, आप ये पूछेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये सारी चीज़ें बनी होती हैं पिक्सल से। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी देखेंगे वो पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल आपका स्क्वायरिश शेप्स में ही आता है। तो यहाँ पे अगर एक लाइन बनानी हो पिक्सल से, तो वो लाइन हमेशा आपकी थोड़े से रफ एजेस के साथ रहेगी। अब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा इतना ज़्यादा, पर हल्का हल्का उसमें आपको ये देख सकते हैं एजेस में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा होगा कि हल्का सा जैगर सा है, एजेस है या स्मूथ एजेस नहीं है। तो एंटी एलियसिंग क्या करता है, थोड़े से पिक्सल्स ऐड करके उस चीज़ को थोड़ा स्मूथ बना देता है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटी एलियसिंग ऑन, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हल्के से एजेस स्मूथ हो गए हैं। जो आपको जैगरी एजेस दिख रहे थे ना, मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में देखिए जो ये डंडे के एजेस हैं वो स्मूथ हैं। और अगर मैं वापस जाऊं ग्राफिक्स में और एंटी एलियसिंग ऑफ करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हल्के हल्के एजेस थोड़े से स्मूथ नहीं बचे। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा थोड़ा सा इस वीडियो में। तो एंटी एलियसिंग ऑन करने से आपके रिसोर्सेज और लगते हैं, पर गेम थोड़ा सा आपको स्मूथ दिखने लग जाते हैं सारे टेक्सचर। इस सेटिंग को आप ऑफ ही रखिए अगर आप लो एंड डिवाइस पे हैं, ताकि आपका गेम प्ले स्मूथ रहे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग में आ जाते हैं, वो है कलर ब्लाइंड मोड। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर नहीं दिखता। तो ब्राइटनेस मैं बोलूँगा आप 110 के अराउंड रखिए, यहाँ पे बेस्ट ब्राइटनेस लगती है एनिमी डिटेक्शन के लिए। अगर फॉग मोड आता है तो आप इसको 80 कर दीजिए, पर 110 एकदम बेस्ट सेटिंग रहती है मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें आपको दूर तक भी एनिमी स्पॉट करने में आसान रहता है। ग्रास में भी अगर वो लेटे हों तो काफ़ी सही से दिख जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग पे, जो यहाँ पे आपकी रहेगी नॉन स्टैंडर्ड स्क्रीन्स के लिए, जो कि नॉर्मल राउंडेड या नॉच्ड है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका फ़ोन कैसा है, राउंडेड कॉर्नर्स तो सब में होते ही हैं, पर अगर आपके डिवाइस में नॉच है, नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, तो आप इसको नॉच डिस्प्ले पे कर सकते हैं। फाइनली ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स को आप हमेशा ऑफ रखिए। एनेबल करेंगे तो ये क्या करेगा, हल्के से भी फ्रेम ड्रॉप आते हैं, जैसे अगर आप बूट कैंप में कूदे और बूट कैंप में कूदने के बाद आपके हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे हैं और बाई चांस वो 50-40 पे जा रहे हैं, तो ये अल्ट्रा पे शिफ्ट कर देगा उसको अपने आप ही। तो ये चीज़ आप ऑफ रखिए, हो सकता है आपके रिसोर्सेज थोड़े कम यूज होंगे ऑटो एडजस्ट करने के बाद, पर बेटर है आप इसको डिसेबल ही रखिए, ताकि अगर 60 में आप रन कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट जितने ज़्यादा फ्रेम्स आ सकते हैं वही आपके डिवाइस में आए। तो होपफुली आपको सारी ग्राफिक सेटिंग्स का आइडिया लग गया होगा यहाँ पे, और बेस्ट सेटिंग्स आपको पता चल गई होंगी। लो एंड डिवाइसेस के लिए आप एंटी एलियसिंग और ऑटो एडजस्ट तो ऑफ ही रखिए, और स्मूथ में जो आपके पास मैक्सिमम सेटिंग है उसको एनेबल कर लीजिए। स्मूथ की वजह से आपका गेम काफ़ी अच्छा चलेगा अगर आपके पास डिसेंट डिवाइस है। लो एंड डिवाइसेस में भी स्मूथ पे आप कोशिश करिए एटलीस्ट 30 FPS तक जा पाएँ। GFX टूल एक ऑप्शन है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप बताइए आपको ऐसी और कौन सी वीडियोस देखनी है। ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी, थोड़ी अलग वीडियो थी जो हम यूजुअली बनाते हैं उससे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।